वेलकम टू संध्या ऑनलाइन क्लासेस। आज साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट में एक क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है हर एक एग्ज़ाम में। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की सामान्य दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है n1 - 1 / n2 - 1 = t1 / t2, जिसमें n1 की वैल्यू होगी पहले कितना गुना हो रहा है और n2 की वैल्यू होगी बाद में कितना गुना हो रहा है। तो इसको वैल्यू में पुट करते हैं, n1 पहले दिया हुआ है 2 गुना तो 1 से माइनस करेंगे, n2 बाद में दिया हुआ है 16 गुना हो रहा है तो 1 से माइनस करेंगे, t1 t2 दिया हुआ है, पहला जो समय दिया हुआ है 4 वर्ष है और जो दूसरा समय दिया हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे सबको, फिर आंसर आ जाएगा 60 वर्ष।